अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैथरीन ब्रिजेस? कैथरीन ब्रिजेस के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर है, कैथरीन ब्रिजेस वॉज द हीरोइन ऑफ द नावल। कैथरीन ब्रिजेस नावल की हीरोइन थी। शी वॉज अ मॉडर्न गर्ल ऑफ 25। वो 25 साल की मॉडर्न जिद्दत पसंद मॉडर्न लड़की थी। चिप्स मेट हर एट द ग्रेट गेबल। चिप्स की उससे ग्रेट गेबल पर मुलाकात हुई। ग्रेट गेबल एक पहाड़ का नाम है, जैसे हमारे यहाँ लोग मरी चले जाते हैं और नारान कागान सवार चले जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। इस तरह चिप्स गया था लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है, समर वेकेशन में वो वहाँ गया था और वहाँ पे ग्रेट गेबल पहाड़ है, जैसे केटू पहाड़ का नाम है, माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम है, इस तरह ग्रेट गेबल है। शी हैड ब्लू आइज, उसकी नीली आंखें थीं, एंड रोजी चीक्स और गुलाबी गाल थे, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और बिल्कुल मुलायम स्मूथ हल्के भूरे रंग के उसके बाल थे। शी वॉज मिस्टर चिप्स वाइफ, वो मिस्टर चिप्स की बीवी थी। ये कैथरीन ब्रिजेस का इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन हाउ एंड वेयर डिड मिस्टर चिप्स एनकाउंटर कैथरीन? एनकाउंटर होता है मुलाकात, यानी कब कहाँ और कैसे मिस्टर चिप्स की कैथरीन से मुलाकात हुई। तो आंसर है, मिस्टर चिप्स एनकाउंटर्ड कैथरीन ब्रिजेस इन 1896। मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस से 1896 में मुलाकात हुई। ड्यूरिंग हिज विजिट टू अ माउंटेन ग्रेट गेबल, एक माउंटेन एक पहाड़ ग्रेट गेबल की सैर के दौरान। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डेंजरस रॉक, वो एक ख़तरनाक चट्टान पर खड़ी थी, एंड वेविंग हर हैंड, और अपना हाथ हिला रही थी। चिप्स थॉट, चिप्स ने सोचा, दैट शी वॉज इन डेंजर, कि वो ख़तरे में है, एंड नीडिड हेल्प, और उसको मदद की ज़रूरत है। सो ही रश्ड फॉरवर्ड, इसलिए वो आगे बढ़ा, भागा, फेल डाउन, गिर गया, एंड स्प्रेंड हिज एंकल, और उसके टखने में मोच आ गई। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर इस तरह भी आ जाए कि उसके टखने में मोच कैसे आई, हाउ डिड ही स्प्रेन हिज एंकल, तब भी यही आंसर है। या जिस भी क्वेश्चन में आपको एंकल का लफ्ज मिल जाए ना मिस्टर चिप्स का, तो वो उसका यही जवाब होगा, यानी मोच मोच के बारे में होगा। रेंच का लफ्ज आ सकता है, इंजर्ड का लफ्ज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज मिस्टर चिप्स ओपिनियन अबाउट मॉडर्न वीमेन बिफोर मैरिज? मिस्टर चिप्स की शादी से पहले मॉडर्न औरतों के बारे में उसकी क्या ओपिनियन थी? तो आंसर है, मिस्टर चिप्स डिसलाइक्ड एंड हेटेड मॉडर्न वीमेन। मिस्टर चिप्स डिसलाइक करता था, नापसंद करता था, नफरत करता था मॉडर्न औरतों से। ही कॉल्ड देम मॉन्स्ट्रस क्रिएचर्स, वो उनको बलाएं समझता था, ख़तरनाक मखलूक समझता था। बिकॉज मॉडर्न वीमेन वर बोल्ड, क्योंकि मॉडर्न वीमेन जो थी वो बोल्ड थी, एंड फैशनेबल, और फैशन करती थी, एंड हैड रेडिकल आइडियाज़, और उनके इनकलाबी ख्यालात थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर कैथरीन फेवरेट लिटरेरी पर्सनैलिटीज़? कैथरीन की पसंदीदा अदबी शख्सियात कौन सी थी? अच्छा, इसमें 2-3 सवालों के जवाब को मैंने मर्ज किया है, यानी चिप्स के बारे में अगर आ जाए कि बर्नर्ड शॉ और इब्सन के बारे में चिप्स के क्या ख्यालात थे, या कैथरीन की फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में चिप्स के क्या ख्यालात थे, तो उसका भी यही आंसर होगा। आंसर है, चिप्स डिड नॉट लाइक बर्नर्ड शॉ फॉर हिज स्ट्रेंज आइडियाज़। चिप्स को बर्नर्ड शॉ अपने अजीबोगरीब ख्यालात की वजह से पसंद नहीं था। ही डिसलाइक्ड इब्सन फॉर हिज डिस्टर्बिंग प्लेस, उसको इब्सन भी नापसंद था अपने डिस्टर्ब करने वाले, परेशान करने वाले प्लेज़ की वजह से, खेलों की वजह से। ये वो प्ले होते हैं जो प्लेज स्टेज प्लेज होते थे, स्टेज पे परफॉर्म होते थे। ही डिड नॉट लाइक वुमेंस बाइसिकलिंग, उसको औरतों का साइकिल चलाना पसंद नहीं था। बट बर्नर्ड शॉ एंड इब्सन वर कैथरीन्स फेवरेट पर्सनैलिटीज़, लेकिन बर्नर्ड शॉ और इब्सन कैथरीन की फेवरेट पर्सनैलिटीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वॉज चिप्स ब्रॉट होम फ्रॉम द ग्रेट गेबल? चिप्स को ग्रेट गेबल से घर कैसे लाया गया? तो आंसर है, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर चिप्स टू स्टैंड, चिप्स के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। इट वॉज़ कैथरीन एंड हर फ्रेंड, ये कैथरीन थी और उसकी दोस्त थी, हु हेल्प मिस्टर चिप्स इन रीचिंग द फॉर्म हाउस, जिन्होंने मिस्टर चिप्स की मदद की फॉर्म हाउस पहुँचने में। हाउ डेड कैथरीन लुक आफ्टर चिप्स आफ्टर हिज इंजरी, यानी कैथरीन ने चोट लगने के बाद, ज़ख्मी होने के बाद चिप्स का किस तरह से ख्याल रखा? तो कैथरीन विजिटेड चिप्स डेली, कैथरीन हर रोज़ चिप्स से मिलने जाती थी,
ऑन हर बाइसिकल, अपनी साइकिल पर। शी थॉट, उसका ख्याल था, शी थॉट हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, वो अपने आप को जिम्मेदार समझती थी फॉर हिज एक्सीडेंट, उसके हादसे का। शी वॉज अ गवर्नेस आउट ऑफ अ जॉब, वो नौकरी के लिहाज से गवर्नेस थी। गवर्नेस वो होते हैं जो घरों में जा जा के टीच करती थी, पढ़ाती थी, तो उनको गवर्नेस कहते थे। शी नर्स्ड हिम, वो उसका ख्याल रखती थी, एंड ट्राई टू प्लीज हिम, और उसको खुश रखने की कोशिश करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू नो अबाउट कैथरीन्स बिलीफ अबाउट वुमेन, आप कैथरीन के औरतों के बारे में जो उसके बिलीफ थे, जो अकायद थे, उनके बारे में क्या जानते हैं? तो आंसर है, कैथरीन वॉज अ रेडिकल सोशलिस्ट, कैथरीन इनकलाबी ख्यालात की सोशलिस्ट लड़की थी। शी वॉज अ गवर्नेस आउट ऑफ अ जॉब, वो जॉब के लिहाज से गवर्नेस थी। शी बिलीव्ड, उसका यकीन था, दैट वीमेन आउट टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज, कि औरतों को यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलना चाहिए। दे शुड हैव अ राइट टू वोट, उन्हें वोट डालने का हक होना चाहिए। दे शुड इंजॉय इक्वेलिटी ऑफ राइट्स विद मैन, उनको मर्दों के बराबर हकूक मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट द मिडल एजड बोर्स, अधेड़ उम्र के, मिडल एज के जो लोग होते हैं, मर्द होते हैं, जिनको कैथरीन बोर कहती थी, बोर करने वाले लोग, उनके बारे में कैथरीन के क्या ख्यालात थे? तो आंसर है, शी हैड ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी, दैट द मिडल एजड मैन, के अधेड़ उम्र के आदमी, हु रेड द टाइम्स, जो द टाइम्स अखबार पढ़ते हैं, एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी, और जिनको मॉडर्न लड़कियां या मॉडर्निज्म पसंद नहीं है, वर टेरिबल बोर्स, वो बहुत ज़्यादा बोर करने वाले लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन फॉल इन लव विद ईच अदर, कब मिस्टर चिप्स और कैथरीन को एक दूसरे से मोहब्बत हुई? आंसर है, कैथरीन केम टू हिज रेजिडेंस डेली, कैथरीन हर रोज़ उसकी रेजिडेंस पे, रहायशगाह पे आती थी। इन द इवनिंग्स, शाम को, दे वेंट आउट, वो बाहर जाते थे, एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और इकट्ठे बहुत सा वक्त गुजारते थे। दे हैड लॉन्ग डिस्कशंस, वो लंबी लंबी बहस करते थे। सो दे बिगैन टू लव ईच अदर, इस तरह उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ओल्ड वॉज मिस्टर चिप्स वेन ही मेट कैथरीन, मिस्टर चिप्स किस उम्र का था जब उसकी कैथरीन से मुलाकात हुई? तो आंसर है, मिस्टर चिप्स वॉज 48 ईयर्स ओल्ड, मिस्टर चिप्स 48 साल का था, एंड कैथरीन वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, और कैथरीन 25 साल की थी। यानी अगर क्वेश्चन कैथरीन की एज के बारे में आ जाए, तब भी आपने यही लिखना है, शी वॉज यंग एनफ टू बी हिज डॉटर, वो इतनी छोटी थी कि उसकी बेटी कहलाने के लायक थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नावल, नावल का सबसे खूबसूरत, सबसे दिलचस्प वाक्या अगर आपसे पूछा जाए, तो आपने यही लिखना है, या स्प्रिंग 1896 के बारे में कोई भी सवाल आ जाए, आपने यही लिखना है, वाई वॉज स्प्रिंग 1896 वेरी डियर टू चिप्स, यानी 1896 की जो स्प्रिंग थी, वो चिप्स को इतनी पसंद क्यों थी? इन स्प्रिंग 1896, 1896 में, स्प्रिंग में, बहार के मौसम में, चिप्स वेंट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट चला गया, देयर ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ, वहाँ पर उसकी अपनी मुस्तकबिल में, अपनी होने वाली बीवी से मुलाकात हुई। दे फेल इन लव विद ईच अदर, उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, एंड मैरिड, और उन्होंने शादी कर ली। वॉट डिड कैथरीन एंड चिप्स लाइक अबाउट ईच अदर, कैथरीन और चिप्स को एक दूसरे की क्या बात पसंद थी? मिस्टर चिप्स लाइक्ड हर बोल्ड ब्यूटीफुल स्वीट एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मिस्टर चिप्स को उसकी बोल्ड, खूबसूरत, स्वीट, और उसकी अट्रैक्टिव यानी दिलकश जो शख्सियत थी, वो पसंद थी। कैथरीन लाइक्ड हिम, और कैथरीन को वो पसंद था बिकॉज ऑफ हिज क्वाइट नेचर, अपनी खामोश पुरसकून फितरत की वजह से, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी, और उसकी दिलकश शख्सियत की वजह से। थैंक यू।